इस वक्त बड़ी खबर आ रही है यूपी के गाजियाबाद से, जहां पर किसान की हत्या हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के गाजियाबाद से, जहां पर एक किसान की हत्या हो गई है। गांव दोहाई में किसान को गोली मार दी है। गांव दोहाई का यह मामला है जहां पर एक किसान को गोली मार दी गई है। किसान पर दबंगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। थाना मुरादनगर की घटना है। ये आरोपी फिलहाल फरार हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के गाजियाबाद से, जहां पर किसान की हत्या हो गई। गांव दोहाई की खबर है जहां पर एक किसान को दबंगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके मार दिया। थाना मुरादनगर की घटना है और जो आरोपी हैं वो फरार हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के गाजियाबाद से। और हमारे साथ हमारे संवाददाता गाजियाबाद से राजीव मिश्रा जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। राजीव, क्या जानकारी है, कब और कैसे हुई ये घटना? राजीव, क्या आप सुन पा रहे हैं हमको? लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम आपको बता दें कि थाना मुरादनगर की घटना है। जो आरोपी हैं जिन्होंने गोली मारी है किसान को, वो फरार हैं। यूपी के गाजियाबाद की एक घटना है, गांव दोहाई में किसान को गोली मार दी गई है। दबंगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे और ताबड़तोड़ फायरिंग करने के बाद वो आरोपी फरार हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के गाजियाबाद से, एक किसान की हत्या हुई है गांव दोहाई में। दबंगों ने गोली मारी है, ताबड़तोड़ फायरिंग की उस किसान के ऊपर, उसके बाद उसकी मौत हो गई। थाना मुरादनगर की घटना है ये। फिलहाल आरोपी की बात करें तो वो फरार है। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के गाजियाबाद से, थाना मुरादनगर की घटना है। एक किसान की हत्या कर दी गई है। एक किसान को दबंगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। और हमारे साथ राजीव मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। राजीव, कब और कैसे हुई ये घटना? देखिए शिखा, मैं आपको बता दूं, ये मुरादनगर का गांव दोहाई है। इस गांव में दो परिवार रहते थे। एक श्यामवीर का परिवार है जो अपने छोटे भाई के साथ गया हुआ था खेत में। जी, खेत में काम कर रहा था, तभी उसने देखा कि कुछ आवारा पशु उनके खेत में घुस गए हैं। तो उन्हें आवारा पशुओं को निकालने के लिए, जैसे ही उन्होंने उन पशुओं को भगाना शुरू किया, तो वो पशु वहां से हटके दूसरे अपने उनके पड़ोसी के खेत में चले गए। जिस चीज से लेके पड़ोसी से उनकी कहासुनी हो गई, और कहासुनी इतनी हुई कि वहाँ जो है जो पड़ोसी था उसका, उसने गोली चला दी और गोली सीधी श्यामवीर को लगी और श्यामवीर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जी जी राजीव, फिलहाल जो पुलिस का क्या कहना है इस मामले पर, क्या पुलिस पहुंच चुकी है? शिकायत की पुलिस वहां मौके पर पहुंच चुकी है। जो इनके जो छोटे भाई थे, जो इनके साथ थे, बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने ईख के खेत में घुस के अपनी जान बचाई थी उन पड़ोसियों से। उन्होंने ही ये FIR दर्ज कराया, क्योंकि पूरा बाकिया उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। मुरादनगर थाने में ये मुकदमा पंजीकृत हुआ है, और वहाँ इंस्पेक्टर का कहना है कि हम जो है जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी कर लेंगे। जी बिल्कुल राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, हमारे संवाददाता जो हमें जानकारी दे रहे थे, यूपी गाजियाबाद की खबर है, जहां पर एक किसान को गोली मार दी गई। उस किसान के खेत में कुछ जानवर घुस आए थे, जिसको भगाने के बाद वो जानवर जो थे वो किसी और के खेत में चले गए, जिसको लेके कहासुनी हुई और उस किसान को गोली मार दी गई, ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें उसकी मौत हो गई। आप बता दें कि फिलहाल FIR दर्ज हो गई है, लेकिन आरोपी जो हैं वो फरार हैं।